किसान भाइयों, मेरा नाम भवरलाल सैनी है मैं रावड़ क्षेत्र में रहता हूँ और ये सभी गुलाब की बराह खेती करते हैं ठीक है ना इसमें गुलाब की पैदावार की, की जाती है हम साथ ही नौरंगे की पैदावार भी करते हैं फूलों में हाँ हम इसका हम इसकी पैदावार क्या बरसात में कलम लगा देते हैं कलम लगवा देने से तो इसका पौधा बन जाता है पौधा बनने के बाद इसको खेतों में रोपण कर देते हैं अपने अपने उचित दूरी से दो या दो या ढाई फिट की दूरी पर इसके मतलब रोपण कर देते हैं इसके बाद जो पौधा बढ़ता है तो फूल देने लगता है और इसकी जो पैदावार निकलती है इसका हम मार्केट में इसकी सप्लाई करते, है। करते हैं ये पौधे को हम तैयार करते हैं तैयार करने के बाद खेत में रोपण करते हैं तो इसका जो फूल साठ पैंसठ दिनों के अंदर में इसका फूल आ जाता है तो इससे एक पौधे के अंदर कम से कम सौ या डेढ़ सौ फूल के करीब सीजन पर उसके समय पे ठंडों के समय पे अच्छा रहता है इसका रिज़ल्ट इसमें क्या हम पौधे के लिए अच्छी पैदावार के लिए गोबर का खाद भी डालते हैं और कीटना और जो सरकारी जो खाद आते हैं इसमें अपना यूरिया है डी है इससे क्या इसकी अच्छी पैदावार हो जाती है और इसमें जो इसमें जो कीटों के लिए इसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी किया जाता है इसमें कई प्रकार की से इली लग जाती है इली के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है हा, हाँ जो अपन पौधे को अपन खेतों में लगाते हैं तो उसकी दूरी कम से कम दो या ढाई फिट के करीब पौधे की दूरी होना चाहिए और उसकी जो कतार की दूरी होनी चाहिए वो कम से कम ढाई या तीन फिट के अंतराल में होनी चाहिए इससे क्या पौधे जो बड़ा होगा तो उसमें उसको पास रहने में और चौड़ाई में उसको दिक्कत नहीं आई फैलने में फूल वगैरह देने में पौधे में जो बीमारी के लिए जैसे इसकी पत्ती सूख जाती हैं ये तो और भी कई प्रकार की ऐसे इली वगैरह लग जाती तो बत्ता है, है तो फिर पत्ता खा लेती हैं फूल भी खा लेती हैं तो इसकी रोकथाम के लिए हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जो बीमारी है ये इस तरीके की बीमारी होती है इसकी रोकथाम के लिए हम कई प्रकार की ऐसे बॉबिस्टीन है इससे गुलाब में क्या कई प्रकार की वरायटियाँ आती हैं इसमें एक लाल भी है सफ़ेद भी आता है गुलाबी आता है पीला आता है और अपना क्या है एक लाल कलर आता है वो भी अच्छा लगता है और इसमें और भी कई प्रकार की वैरायटी रहती है इसमें जो अपन गुलाब की खेती करते हैं उसमें मतलब बीस पच्चीस तरह के वैरायटी के कलर्स रहते हैं इसमें इसमें कई प्रकार के लाभ होते हैं इसमें क्या सब्ज़ी की अपेक्षा इसमें अधिक लाभ होता है और सब्ज़ी की पैदावार की अपेक्षा इसमें अधिक दामों को मतलब अधिक मूल्य पर बेचा भी सकता है और इसमें अधिक पैदावार से क्या आदमी की जो ज़रूरतें हैं उसकी पूरी की जा सकती हैं सब्जी की सब्जी की अपेक्षा इसके हम कम जगह में भी इससे अधिक लाभ कमाया सकता है और कम जगह में लगने के बजाय इसमें कम लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें ज़्यादा लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसमें मतलब तोड़ने करने में और बेचने में भी अधिक प्राप्त होती है हाँ इसमें क्या हम जो गुलाब और फूलों की फसल कम से कम दस पंद्रह साल से कर रहे हैं इसमें अधिक पैदावार के अधिक पैदावार के कारण और मेरा सभी और किसान भाइयों से यही कहना है कि आप भी इसको लगाएं और इसकी पैदावार को बढ़ाएं और अधिक लाभ मूल प्राप्त करें धन्यवाद